हरदा में कृषि विभाग द्वारा किसानों में बीज भंडारण को लेकर नाराजगी दिखी, वहीं इस संबंध में कृषि विभाग अधिकारी से चर्चा की गई। विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में जाकर किसानों के खेतों में जांच व निरीक्षण किया गया और किसानों को फसल बीज के बारे में समझाया गया। पिछले विगत करीब 5-7 सालों से खेती में नवीन तकनीक से खेती कर रहा हूँ। उसका उदाहरण आप यहाँ देखेंगे कि सोयाबीन में भी करीब मैं 2-3 वेराइटी की उपयोग करता हूँ, जिसमें RVS 2001-04 है, NRC 86 है और साथ में अपने 2029 JG 2029 तीन प्रकार की मैंने सोयाबीन लगा रखी है। उड़द में PU 30 वो लगा रखी है, अरहर लगा रखी है, साथ ही साथ गन्ने भी करीब 1.5-2 एकड़ में गन्ने भी लगे हैं। ऐसे में मतलब बहुफसली मतलब खेती करता हूँ, ताकि एक फसल अगर मान लो अपनी खुदाना खासतः खराब हो जाती है किसी कारणवश अति वर्षा से या और आपातकालीन स्थिति में जैसे फसल खराब हो जाती है, तो कम से कम अपन एक फसल पर निर्भर नहीं रहे। इस प्रकार मैं ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उपयोग कर रहा हूँ। इसके साथ में ऑर्गेनिक खेती भी कर रहा हूँ पूरी, मतलब मेरे पास करीब 7 गाय हैं, देसी गाय हैं, उनका गोमूत्र स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करता हूँ कीटनाशक के रूप में। और दूसरा उससे वर्मी कंपोस्ट भी बना रहा हूँ, तो वर्मी कंपोस्ट मेरी बचत हो रही है, उसमें रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। DAP है, यूरिया है, पोटास, ये सभी उसमें क्या हर किसान को ऐसे किसानी करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ताकि जो अभी हर साल मौसम की जो अपन देख रहे हैं कि हर साल मौसम चेंज होता जा रहा है, तो ऐसे में किसान एकदम से माइनस में नहीं आएगा। अगर कभी बहुफसली अपन खेती करेंगे तो एक फसल से किसान अगर कभी खराब हो भी जाता तो अपनी दूसरी फसल से कुछ तो अपने को आमदनी मिलेगी। साथ ही साथ अगर कभी अपन पशुपालन कर रहे हैं तो पशुपालन से अपने एक तो गैस की बचत हो रही है, गोबर गैस है। सर, किसानों में ये बीज भंडारण को लेकर जो परेशानी और जो किसान ज्ञापन दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा बताइए क्या परेशानी आ रही है? बीज भंडारण जो है रबी के बीज भंडारण की जो डेट से 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीज भंडारण रबी का किया जाता है जी, और अक्टूबर मौसम 1 अक्टूबर से रबी स्टार्ट होता है और चने की बुनी जो है लगभग 15 अक्टूबर बाद की जाती है, क्योंकि जब तक तापक्रम कम नहीं होगा और एक अगर अपन देसी भाषा में समझे तो जब तक खोपरे तेल जमने लगे तभी जो है चने की बोनी और गेहूँ की बोनी करना चाहिए। तो इसलिए अभी इस समय उपयुक्त तापक्रम भी नहीं है किसी भी रबी फसल की बोनी करने का, सिर्फ सरसों और तोरियां की बोनी करने का समय है इस समय। तो 15 सितंबर से रबी बीजों का भंडारण यहाँ शुरू होता है और अभी जो है बीज के दर शासन स्तर से तय होते हैं, वो बीज के दर तय नहीं हुए हैं। जैसे बीज के दर तय हो जाते हैं भंडारण तत्काल सोसाइटियों में सहकारिता विभाग के माध्यम से करा दिया जाएगा और जो योजनाओं में बीज है वो विकास खंड में वरिष्ठ सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को चाहिए किसानों को उपलब्ध।